हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीतांजलि फैमिली व्लॉग। ये है हमारी बालकनी का व्यू। आज हम खूबसूरत मनु वाले रिजॉर्ट से चेकआउट कर रहे हैं और दूसरे होटल में शिफ्ट कर रहे हैं। आज हम जाने वाले हैं सोलांग वैली। कहते हैं कि मनाली से सोलांग वैली तक का सफर बहुत ही खूबसूरत है, तो आइए देखते हैं। अभी हमारी जर्नी एंड हो चुकी है। ये हमारा मनु आले रिजॉर्ट था और अब हम दूसरे रिजॉर्ट में जाएंगे और वहाँ पर हम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। मनाली से सोलांग वैली का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। इसके व्यू काफ़ी शानदार हैं। माउंटेन के नज़ारे आपके सामने हैं। यही रास्ता आगे अटल टनल और रोहतांग पास के लिए जाता है। जून से सितंबर तक मनाली का वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है। और ये देखिए बर्फ़ से ढके पहाड़ों के नज़ारे, ऑसम व्यू। सोलांग वैली जहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रही है और रोप वे हो रही है और कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे पैराशूट उड़ रहे हैं ऊपर आसमान में। वाह, ऑसम। सितंबर तक यहाँ पैराग्लाइडिंग होती है और सर्दियों में यहाँ पर स्कीइंग होती है।
करनी है पैराग्लाइडिंग? नहीं, मेरे को पैराग्लाइडिंग नहीं करनी, मेरे को ऊंचाई से डर लगता है। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं अपनी हड्डियां तो मेरा एक जी नहीं होगा। 1700 ऊपर होना है। यहाँ पर एक रोपवे भी है, रोपवे से आप राइड को एंजॉय कर सकते हो और ऊपर जाकर वैली और माउंटेन का आनंद ले सकते हो। वापस आते हुए हमने ढेर सारे एप्पल गार्डन देखे। वापस आते हुए हम एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट नेहरू कुंड पर रुके। यह एक नेचुरल मिनरल वाटर सोर्स है और लोकल में इसकी काफी मान्यता है। इसका नाम इंडिया के फर्स्ट पीएम नेहरू जी के नाम पर पड़ा है। भी नेहरू जी मनाली आते थे तो यहाँ जरूर आते थे। Thank you.
इस कुंड का पानी बहुत ही ठंडा है और देखो मेरे हाथों का रंग बिल्कुल लाल हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।